पापा जा रहे थे गढ़ेरी की दिवाली में, लेकिन पापा का रास्ते में मूड चेंज हो गया तो पापा वापस आ गए। और अब पापा देख रहे हैं CID, क्योंकि पापा को CID देखना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए हमेशा पापा टीवी में सिर्फ CID ही देखते हैं। पापा आपका ये फेवरेट है ना? हाँ ठीक है। तो ये वाली घासनी वाला फ्लावर देखो, अगर आप इसको उठा के, इससे आवाज आती है पटकी, ये हम बहुत करते थे बचपन में खेल। फिर उसके बाद ये फूल जाते हैं, जब बड़े हो जाते हैं तो इसके ऐसे फ्लावर्स बन जाते हैं, उसमें नहीं हो सकता ये, लेकिन जब ये बड़े हो रहे होते हैं ना, लाइक इतने इतने होते हैं, तब हो सकता है। तो ये दोनों अभी तक सो रहे हैं, मैं अभी पापा से डांट पड़वाती हूँ इनको। नहीं पहले मेरी बात सुनो, मेरे को इतनी देर तक सोने नहीं दिया, इनको उठाओ, इनको इतनी देर तक सोने दे रहे हैं, संध्या होगी अब उठाओ इनको, डांटो। उठ जाने हैं? नहीं मेरे को जबरदस्ती उठा, लेटा नहीं ना, पहले इनको एक बार बोल दो ना इनको। मुनिका यहाँ से नहीं, अंदर अंदर। मुनिका कुकू को भी, मुनिका उठो उठो, संध्या पड़ी संध्या साथ ही नहीं होता। वाह पापा इतने प्यार से, बाहू उठ ला संध्या पड़ी। बाबू बिचार। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो दिवाली खत्म होगी, दिवाली के बाद सभी अपने अपने काम पे वापस आ गए, और मैंने भी अपना वर्क फ्रॉम होम जो है वो स्टार्ट कर लिया है। तो वर्क फ्रॉम होम पे हूँ मैं एक हफ्ते के लिए, तो घर पे ही रहूँगी तब तक। लेकिन आज ना मैं घर पे बिल्कुल ही अकेली हूँ, क्योंकि सारे लोग ना घास के लिए गए हैं, घास काटने के लिए, और वो भी यहाँ से जो हमारा पुराना घर है ना गांव में ही, वहाँ पे गए हैं। तो वहाँ ऐसा होता है कि थोड़ा दूर पड़ता है यहाँ से, तो सुबह चले जाते हैं और खाना वगैरह चाय सब कुछ लेकर जाते हैं, और फिर शाम तक वहीं रहते हैं, शाम को आएंगे अब। और मैं पूरा दिन यहाँ पे अकेली हूँ, तो इतना मेरे को बोरिंग फील हो रहा है ना। आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ 4 बजे, तो देख लो कि 4 बजे तक मैंने पता नहीं क्या क्या किया, काम कर रही हूँ ऑफिस का वैसे तो, लेकिन बोरिंग फील हो रहा है, कोई बात करने के लिए नहीं है, बस नीचे पशु हैं। तो मैंने वुलन की सॉक्सेस पहनना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंड है, और आज तो ऊपर से बहुत हवा चल रही है, ठंड भी लग रही है, धूप में बैठ के भी ठंड लग रही है। बस नीचे ही गाय है और कोई भी नहीं आज मेरे साथ, ये लोग भी जल्दी जल्दी खाना खा रहे हैं, मतलब घास खा रहे हैं, और उसके बाद ख़त्म कर रहे हैं, तो मेरे को जल्दी जल्दी जाके इनके पास घास देना पड़ रहा है। अभी मेरे को फिर से जाना पड़ेगा, क्योंकि देखो इनके पास घास ख़त्म हो गई है। ये लो, ये ले सुंदरू, खा ले मी सुंदरी मुंदरी। ये नहीं खाना, ये वाला नहीं खाएंगे आप? तो हरी घास तो है नहीं यार, ये खाना पड़ेगा आपको आज। तो अभी मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी खाने खाने का मन ही नहीं कर रहा अकेले। सुबह मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, क्योंकि मैं वीडियो एडिट कर रही थी, और अभी लंच का टाइम है, तो लंच भी नहीं किया मैंने। लंच का टाइम तो कब का चला गया, मतलब भूख भी लग रही है मुझे, लेकिन मन ही नहीं किया खाना खाने का अकेले। तो मैं सोच रही हूँ अभी खाना खा ही लेती हूँ, डांट भी पड़ेगी और मुझे भूख भी लग रही है, तो इसीलिए खाते हैं, देखते हैं क्या बनाया आज। लो जी खाना खाने चली थी कि ऑफिस से कॉल आ गया, उठा लेती हूँ अब। हेलो, हाय अमित कैसे हो? तो अभी जाके मेरा कॉल ख़त्म हुआ है 15 मिनट के बाद, और आप देखो मेरे सिस्टम से कैसी आवाज़ें आ रही है। ये फ़ैन इतनी आवाज़ें कर रहा है ना, खास करके जब मेरा कॉल चल रहा था ना उस टाइम पे, तो ये और भी ज़्यादा आवाज़ें कर रहा है। अब चुप हो गया, वाह इसका भी सही है। ये आ गया खाना मेरा, पानी भी लाती। तो खाने में आज बनाया है मम्मी ने मिक्स दाल, साथ में मैंने लिया देसी घी, और साथ में ये रोटियाँ। ये जो बटूरू है ना, मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं ये। तो अब धूप बस जाने ही वाली है ऑलमोस्ट, और मुझे ठंड लगना भी स्टार्ट हो गया है अब यहाँ पे। अभी फ़िलहाल तो मैं धूप में बैठी हुई हूँ ना, और काम कर रही हूँ, उसके बाद मेरे को अंदर जाना पड़ेगा और आग जलानी पड़ेगी।
तो अभी शाम के बज रहे हैं 6 और मम्मा ने मुझे काम दिया था जितने भी हमने दियास लगाए थे वो सारी क्लीन करने के, तो मैंने सारे के सारे दिए अभी क्लीन कर दिए हैं। यहाँ से लेकर वहाँ तक जितने भी दिए मैंने लगाए थे वो सारे क्लीन कर दिए हैं और अब मैं इनको पैक कर दूंगी और नेक्स्ट ईयर हम इन्हीं को दोबारा से रीयूज़ करेंगे। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोग क्या जो दिए होते हैं उनको रीयूज़ करते हो या फिर हर साल आप नए दिए खरीद कर लेकर आते हो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो यहाँ पर देखो आप अभी 711 MB आउट ऑफ 2 GB और अभी दोबारा हो रहा है, अभी ये अराउंड 2 GB होने वाला था, मेरे को दोबारा से रिचार्ज करना पड़ा इसका, तब जाके अभी दोबारा अपलोड होने लगा है। हो पापा, जो जो खीले वगैरह का पैकेट हम पार ले गए थे ना, वो कोको ने खा लिया। आने दो उसको, आज लगेगी उसकी क्लास। कोको ये क्या किया, ये क्या किया है, किसने खाया ये, इधर क्या आ रहा है, डर रहा है अब जानबूझ के, इसको पता है मैंने कांड किया है, हैं? ओए मचला पड़ा ये बहुत चिलाक हो गया, ये गलत संगति में पड़ गया ये, अब कल से इसका कॉलेज जाना बंद है। किस तरह घूम रहा तू आजकल, कल जाना बोल बोला कॉलेज, कल से इसका बाहर जाना बंद। इसके आगे रखती हूँ जरा, लगाएगा ये मुंह की नहीं, खाब था इसको पता है, इसको इसने खाया ये, करेगा अगली बार ऐसा, मना कर, चल कोई बात नहीं अगली बार से नहीं खाना इसको, ठीक है, ऐसे लगाना हाथ हर गई, रोटी देते हैं ना हम आपको डंगर कहीं का। अच्छा मैं लाया था यार तुम्हारे लिए सरप्राइज है कुछ, क्या बोलो क्या हो सकता है, पकौड़े पकौड़े नहीं है हाँ, कुछ खेत वाली चीज है, खेत वाली आलू, आलू चालू गर्मियों वाले इलाके में होते हैं, बैर ओह वाओ, अरे वाह की खोल वाओ, मैं तो बचपन में खाई थी पहली बार, तूने कहाँ से लाई ये, मेरे को दीदी ने लाए थे, दीदी और भी तेरी कोई दीदियाँ कौन हमारे अलावा मार खाएगा मेरे को कोई भी गुटली मिली ना ऐसे तू नहीं फेंकी होनी, वो तू ही उठाएगा उसको, कहाँ से तेरी दीदी, अरे ओगली से, क्या नाम है, मोनिका नहीं आ रहा है तेरे लिए मीनाक्षी वर्मा का कमेंट आया है वो मेरी क्लासमेट है, कहते ओलन क्या चांदनाज रिप्लाई कर दियो क्या बनाया था थैंक यू ध्रुव की मोनिका दीदी, तो अभी अभी मैंने एक वीडियो अपलोड किया है आज का और सब लोग अभी उसी को देख रहे हैं फोन में, मम्मी के नए फोन में, गाइस सब लोग अपने अपने फोन में भी देख रहे हैं ना, और आप लोग भी देख रहे हैं गाइस। निकू ये क्या हुआ, देखो इनको काट लिया, किसने पता नहीं, तो गाइस निकी को ना किसी घास काटने गई थी तो किसी मक्खी वगैरह ने काट लिया, और ये देखो इसका हाथ कितना स्वेल हो गया है, दूसरा दिखा ये देखो दाढ़ी है इसका हाथ बिल्कुल बटूर जैसा हो गया आज तो गाइज आप मिलिए मेरे कोको से, कुकी से, निको इसका नाम क्या रखूं, ओ दूध गिरा दिया बच गया, तो अभी मैंने दूध पी लिया है और अब टाइम हो गया है सोने का, लेकिन सोने से पहले मेरे को एडिटिंग की भी
लेकिन सोने से पहले मेरे को एडिटिंग भी कंप्लीट करनी है, तो अभी मैं करूँगी एडिटिंग और इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड लाइक भी ज़रूर करना ताकि वीडियो आगे से आगे बहुत से लोगों तक पहुँचे। मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है आप सब लोगों के सपोर्ट की, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए और जो लोग सपोर्ट करते हैं वो आगे भी सपोर्ट करते रहना। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। ये हमारे घर में कोई नया बिल्लू आया हुआ है, मुझे समझ नहीं आ रहा ये कोको का दोस्त है कि क्या है। ये लोग अभी लड़ रहे थे खेल रहे थे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। जा तू भाग, कुछ नहीं बोलेगा ये, थप्पड़ नहीं मारूंगी मैं इधर से। जा मेरी सुंदरी मुंदरी, तू जा भाग जा।